चाइना ने जिस तरीके से भारत में घुसपैठ कर हमारे जवानों को शहीद किया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि आज जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबको साथ लेकर सबको विश्वास में लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ने की उन्होंने पहल की। मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि इससे पूर्व भी जब जब उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने सही मायनों में अपनी बातों को पूरा करके दिखाया। इस बार भी मेरा विश्वास है भारत, वैसे तो हम लोग युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखने वाले देश हैं, पर जब जब भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच आई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर वो निर्णय लिया है और उसको उसी की भाषा में उचित जवाब दिया है। आज की परिस्थिति में भी मेरा पूरा विश्वास है कि सही समय पर प्रधानमंत्री जी सही फैसला लेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी जो भी फैसला हमारे प्रधानमंत्री लेंगे उनके हर उस फैसले के साथ है। आज की इस बैठक में पार्टी की तरफ से जरूर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखा कि जिस तरीके से हर छोटी बड़ी वस्तु चाइना से आयात होती है और तो और भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां तक भी चाइना से बनकर आती हैं, उनसे हम लोगों ने जरूर आग्रह किया कि संभवतः जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हों या जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज हों उसमें बदलाव कर इन अनावश्यक वस्तुओं पर रोक लगाई जाए। इससे न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना पूरा होगा बल्कि कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर एक बड़ा आर्थिक हम लोग दबाव भी हम लोग बनाने में सफल